पूर्व सांसद और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप टम्टा ने अल्मोड़ा में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। टम्टा ने मोदी सरकार पर प्रदेश की अनदेखी का आरोप लगाया। टम्टा ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमालय राज्यों का विशेष पैकेज खत्म कर दिया है। इतना ही नहीं, राज्य के वन और विघुत परियोजनाओं के लिए भी केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही। ऐसे में प्रदेश का विकास कैसे हो पाएगा? तो ऐसे में आप जो हिमालयी राज्य है, उत्तराखंड राज्य है, उसके लिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक समस्या खड़ी होगी। अपने आर्थिक संसाधन कहाँ से खड़ा करें? हमारे जो मेन रिव्यू के सोर्स थे, जैसे फॉरेस्ट था, वाटर रिसोर्स था, एनर्जी था, उस पर केंद्र का नियंत्रण है। हमारे क्षेत्र में जितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं उसमें राज्य सरकार का कोई नहीं रहा, 10 और 12% हमको सिर्फ रॉयल्टी मिलती है। तो ऐसे में इस समय इस राज्य के सामने बहुत बड़ा संकट हो रहा, और केंद्र के सरकार के द्वारा जो ये 11 हमारे राज्य हैं जिसमें उत्तराखंड भी हमारा है, उसके लिए कोई भी नए सिरे से फंडिंग पैटर्न पर विचार नहीं किया जा रहा।